हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये सदर हॉस्पिटल से, यहाँ से एक पेशेंट है उनको लेके जाना है कुसुम विहार। तो अभी वो डिस्चार्ज के लिए गए हुए हैं, तो वो डिस्चार्ज करा के आएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे कुसुम विहार के लिए। ये भी एक सेवा ही मान लीजिए, क्योंकि भाड़ा जो जो मैंने मांगा था तो वो मुझे तो मिल नहीं रहा। कमजोर है तो अब तो कर देते हैं, तो इसलिए बस अब आए रहे पेशेंट, फिर लेके चलते हैं। तब तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में तो बने रहें और जो है चलते हैं, फिर देखते हैं। और अगर चैनल पे इतने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को जो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉगिंग। लगता है दोस्तों उनको डिस्चार्ज जो है मिल गया है, इसीलिए देखिए वो सामान ला के रख रहे हैं। अब धीरे धीरे अब पेशेंट भी आएंगे तो फिर हम लोग जो है निकलेंगे वहाँ के लिए। और एक लगता है कि पेशेंट भी आ गए हैं, अब जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कुसुम विहार के लिए। आइए दोस्तों देखिए आ गया है, अब चलते हैं हम लोग। हमारा भी 500 रुपया लिया। बेटा की बेटी है? बेटी है, बेटी है। हमारा हुआ तो बेटा हुआ तो हमसे लिया था 1000 रुपया। 1000 से नहीं कम लेगा, मांगता तो 2000 1500। हमको तो बोला कि हम तो छोड़वे नहीं करेंगे आपको, आपको तो लड़का हुआ। अपन बोले बेटा तो लड़का हुआ, पर ऑपरेशन से मेरा हुआ था। हम लोग को पोती है। अच्छा, हम बोले भाई देख लड़का लड़की की बात नहीं है, बड़ा ऑपरेशन से हुआ है जो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, हम नहीं दे पाएंगे। अभी बेटा जितना दिन भी रहा ना बेटा तुम मांगते रहा। चार्जर इसमें था ना, तो यहाँ पे डॉक्टर था कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे डॉक्टर? सुबह शाम का था, अभी 5 बजे 4 बजे तक रहेगा। बताइए इतना बड़ा हॉस्पिटल में मतलब वहाँ डॉक्टर नहीं था, यहाँ पे डॉक्टर तो मिल गया तो सतना बड़ा हॉस्पिटल निकालेगा है ना? हाँ, जाने जाने वाला का ठीक है, इमरजेंसी में जिसका बाहुबली है तो है। हमारा बहन का भी वही हुआ था, भगना हुआ था मेरा ऊपर सीढ़ी के ऊपर। हाँ, वो जब सीढ़िया से घुसते हैं तो फिर कहने साइड में जो रूम हुआ है ना, तो वही ना परसों तिलक रूम हुआ है, तो उसी में मतलब मैं दे देता हूँ। वो भी तो रात में गए थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है कितना बजे हुआ था वो याद नहीं, पर हमको याद है कि रात में हुआ था। हम लोग फ़ोन से बोला था, हम लोग सुते हुए थे तो लोग फ़ोन करके बोला कि जो है भगना हुआ है। ये जो है आशा जो है रात में मोबाइल स्विच को ऑफ कर लेती है। सही है सब? हाँ हाँ बेटा, अच्छा। हाँ तो सही है, लेकिन नहीं आया आप लोग को? अभी तक देखने नहीं, 2 दिन हुआ। हाँ नहीं देखने आए। हाँ सलाम जानते हैं, वहाँ सही लोगों को पैसा मिलेगा 1500-2000 रुपया करके लोग मिलता है। अब देखिए घर जाइएगा ना तो वो आएगा बोले कागज में आते हैं, यहाँ आते सब कुछ कर देगा। बोल दिए यार नाम कटवा के चले आए, बोले हम मिल लेंगे घर में। बैठा तो सब तुम घर में चाहिए तुमको? घरों से चाहिए। हाँ सुनिए, देखिए आपको हम सबसे जरूरी बात बता दे रहे हैं, बाबू का जन्म तिथि है ना, आपका जो है 21 दिन के भीतर में बना लीजिए, किसी भी हाल में 21 दिन के भीतर में आपको जो है 200-300 रुपये में बन जाएगा। वरना जो है हमारा बेटा का अभी तक जन्मतिथि जो है नहीं बन पाया, मालूम कहाँ है?
इसलिए अभी नहीं बन पाया क्योंकि हम जो है ऑपरेशन से हुआ था, तो मेरा बच्चा तो हम कहा है कि हम ऑपरेशन में फंसे रह गए, हम जो अभी बनाए नहीं हम, तो मेरा एक महीना हो गया। आते फिर जो लास्ट में ब्लॉक में कितना मांगा 1800 रुपया जब दी थी बनाने में, तो हम बोले भैया अभी तो एक ही महीना का है तो फिर 1800 रुपये कैसे हो गया। तो बोला कि अगर तुम 21 दिन के भीतर में आता ना तो तुमको हम 200-250 रुपये में बना देते हैं। ब्लॉक से भी? हाँ ब्लॉक से एकदम। हाँ तो हम बोले भैया अभी तो 8-9 दिन ज़्यादा हुआ है। और हॉस्पिटल से फ्री में होता है? हॉस्पिटल से भी फ्री में होगा, पर जो भी होगा ना 21 दिन के भीतर करा लीजिएगा तो आपको जो है मतलब एकदम आराम से बन जाएगा 200-250 रुपया में। अगर आप 21 दिन 20 दिन से अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो 1000-2000 रुपये आपको लगना ही लगना है एकदम, कोई आपको दिक्कत नहीं रोक सकता। अच्छा ओरिजिनल आधार भी मांगता है? नहीं ओरिजिनल आधार कार्ड जो नहीं मांगता है तो आप जेरोक्स से ही तो मांगेगा ना। बर्थ ऐसे डालने से भी हो जाएगा ना? हाँ उसमें जेरोक्स सही जो तो मांगता है, ओरिजिनल क्या करेगा वो अपने करने का मतलब है। नाम काटने समय चाहिए है 21 साल, समझ ना, उसमें तो मायने रखता है कि उम्र क्या है क्या नहीं है। बाबू का बोल के अगर बनवाइएगा तो हाँ 21 दिन के जो भीतर में बना लीजिए तो आपको आराम से बन जाएगा। हम जो है अभी तक अपना बेटा का नहीं बना पाया, क्यों मतलब जैसे जैसे लेट हो रहा ना वैसे वैसे पैसा भी तो बढ़ते जा रहा है। हाँ उसने उसे 1500 मांगा था, 6 महीने के बाद फिर जब बनाने का तो फिर मांगा फिर 1800 रुपया, अभी तक हम नहीं बनवाया हम फिर जब चला तो लेटे हो गए तो पूरे लेट से होगा। हाँ इसलिए मतलब कि देखिए हम आपको अपने हाथ गलती से थे हम आपको बता दे रहे हम तो गलती कर दिए, आप गलती मत कीजिएगा। खुश रहिएगा। फॉर्म भरवे करेंगे ना, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी आप उसके आशा में मत रहिए, आप अपना तरफ से ध्यान देते रहिएगा। हाँ उसका भी कागज भरेगा मतलब कि आपको 1000-1500 रुपये आपको जो है ना 20 दिन के अंदर में मिल जाएगा आपको, तो उसका ही बोलेगा फॉर्म भर दो। हाँ 2000 रुपया दो तीन वो काम है उसको समय रहते करवा लीजिएगा एकदम याद से, लेट कीजिएगा सारा पैसा चला जाएगा और ऊपर से आपका काम भी नहीं हो पाएगा। यहाँ का रास्ता थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ वाला, ये हाँ ये है बन रहा है हम लोग का कुछ यार कर रोड में सुधार रहा है फिर बना रहा लगता है ना इसको। बना रहा है बिल्कुल, अभी हाथ लगाया है इसका मतलब। अभी इधर वाला क्लियर कर मार्केट और अलग से जो चल का थी पास का थी जो रास्ता था इसको सबसे पहले बनाना चाहिए था, है कि नहीं? कैसा पेशेंट है कैसा नहीं है साला आराम से आएगा जाएगा, है कि नहीं भैया? आप बड़ा उधर कौन ध्यान देता, सब की चमता गिरी है ना, सब खाने पर ध्यान देता है बढ़ने पर नहीं ध्यान देता। गरीब के लिए अभी हम जो 100 रुपया उसको दिए थे हम 100 रुपया ले रहा हूँ उसे। Thank you.
सब लिख दिया है पोस्टर पे, यदि कोई पैसा मांगे तो कंप्लेन कर इस नंबर पर। आदमी खुशी से देता है ना, है कि नहीं, पर कोई जबरदस्ती करता है तब गुस्सा लग जाता है। रात में हमको गुस्सा हो रहा था। अच्छा, अब जैसे आप बोले ना कि 1000 रुपये मेरा लड़का मिले, हाँ ठीक है, तो 1000 से कम ही नहीं रहा। आप गरीब ना, तो 1000 रुपया लोग आइए सिस्टर, हम पैसा दे 521 रुपया अपने मने धरा रहे, समझ रहे ना, 500 दे दिए तो बहुत ज्यादा देती है, 521 रुपया धरा रहे, उठाइएगा कि नहीं उठा, हम लोग को क्या मिलेगा इसमें, 7 जन है, हम सब पैसा उठा लिए। अरे भाई पैसा उठा लिए, रात भर हम इन लोग को समझाए, देखो कल फिर भी मांग करेगा, हाँ वो अपने आके गिर के मांग करेगा, जाने गाड़ी फिर मांगेगा वो, हाँ अभी तो ले जाने गाड़ी फिर आएगा, हाँ ये खर्चा दीजिए, हम गए खाना लाने आई लोग के पास बोल के गिर गिरा के पैसा मांग लिया 300, ऐसा फिर मांग भी लिया, हाँ तो उस टाइम रात में हम 521 दे रहे थे, वो सुविधा था कि 300 रुपये लेके गया वो सुविधा था। अच्छा तो रात में तो लिया नहीं था क्या? नहीं नहीं लिया, जब सुबह का छुट्टी लेके गई हम दिन में नहीं रहेंगे तो इसे लेके गया, हमारे तो शायद 1000 रुपये ज़्यादा पड़ गया, क्या जब 1000 रुपये तो हम दिए, जब हाथ में लग दिया था ना तो 1000 रुपया मिशन में ले लिया था, फिर डिस्चार्ज के टाइम भी जो है चाय पानी नाम से 300 रुपये ले लिया था कि 50-50 करके बांटेंगे, 6 गोटा है यही लोग, फिर ले लिया हम लोग नहीं रहने के बाद में। हाँ जबकि तो मेरा बेटा जो है ऑपरेशन से हुआ था, हम लोग का जो है मुँह कहाँ तो ऐसे ही सूखा हुआ था कि सला क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी लोग खर्चा के नाम पे जो मतलब कि आदमी से पूजा कुछ मांग ही लेता है, इसलिए रख लिए रात में कि आज भी रात गुजार में है तो वो ऐवे करेगी, मेरा बेड के आगे में फिर गिर रहा है भैया, दे इधर चलेंगे ना, हाँ सामने ये कुसुम बिहार आऊगा कोयला नगर ना, ये कोयला नगर इधर, कोयला नगर ये इधर है, हाँ ये टीवी सेंटर है, टीवी सेंटर है इधर, ये वाला बाईपास चला जाएगा धामी प्लानी, ये चला जाएगा धामी प्लानी करवा होते हुए इधर हमारा आमस प्लान है। दोस्तों हम लोग जो है पेशेंट को हम लोग अपना घर जैसा दिमाग के पास गाड़ी चलाते तो क्या होगा, हम लोग दिमाग और ख्याल रखते हैं कैसे करना है, जाना है हमने जल्दी में, हमको 100 रुपया चलो और दूसरे गाड़ी से नामा नहीं कटवा रहा था, हमारा साइन को नहीं करवा रहा, यही लेके ये 100 रुपये की दक्षिणा मांगा, फिर बोला 500 रुपया है तो देखिए, बोले गिर गिराने की हम लोग आदत है ही रहे, बस आगे नहीं जाना है, आज पीछे लीजिए मिनटों मिनटों घंटे घंटे लोग पैसा मांगता है। हाँ हो तो पर बहुत ज्यादा अंदर बाहर आ गए पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोने से आवाज दे रहा है, नाना नहीं आ गया, तो दोस्तों फाइनली जो है हम कोला कुसमा पहुंच भी गए और उनको उतार भी दिए, अब उतारने के बाद फिर से हम लोग हीरापुर की ओर लौट रहे हैं, तो दोस्तों ये
वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो और ऐसा सेवा हमेशा आपके पास जो मिलता रहे और आपको देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।